तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तू, तूने मुझे कितना दौड़ाया, हाँ कितना दौड़ाया? और सब मुझे भी बहुत भगाया, ये जाड़िया ना जाड़िया, इसने मुझे गुदगुदी भी की। अब जाओ और जाकर इसके माँ बाप को लेकर आओ, जाओ। उत्तरी, मम्मी पापा वो तो अमृतसर गए। अंकल प्लीज माफ कर दीजिए, दरअसल गोगी के मम्मी पापा आ नहीं सकते क्योंकि वो अमृतसर में। हाँ अंकल। मतलब ये अमृतसर से यहाँ सिर्फ आम तोड़ने आया है? नहीं 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 अंकल। नहीं नहीं अंकल, हम लोग सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं, बस गोगी के मम्मी पापा अमृतसर गए हैं। हाँ अंकल सच्ची। साहब आबिद की बातों में मत आना, ये बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं, आप इनका मत सुनो साहब। अरे नहीं नहीं अंकल, हम लोग सच बोल रहे हैं, बट प्लीज अंकल सॉरी। सॉरी अंकल प्लीज, अभी सॉरी बोला ना। संग्राम सिंह के डिक्शनरी में प्लीज और सॉरी जैसे शब्द है ही नहीं। अब जाओ और इसके माँ बाप को लिए बगैर आना नहीं यहाँ पर। चल गोगी, हम लोग आते हैं। टप्पू टप्पू, अरे अरे अंकल मुझे नीचे उतार। नहीं नहीं मैं यही ठीक हूँ। टप्पू अब क्या करेंगे, घर पे कैसे बताएंगे गोगी आम के पेड़ पे फंस गया है? मेरी मम्मी तो मेरा खाना ही बंद कर देगी। फ्रेंड्स तुम लोग मेरे लिए खाना लाना, नहीं तो गोगी को तो खोया है, गोली को भी खो दोगे। तो क्या कुछ भी बोल रहा है गोली, मेरे पापा तो मुझे घर में ही बंद कर देंगे। टप्पू तू हाथ क्यों देख रहा है? मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी लाइफलाइन कितनी लंबी है, और जब पापा को पता चलेगा कि मेरी वजह से गोगी पेड़ पर फंसा है तब तो मेरी लाइफलाइन कितनी छोटी होने वाली है। अरे मना किया था ना तुझे, तो समझता क्यों नहीं है कि हम पैसे से आम खरीद नहीं सकते, हमारी परिस्थिति इतनी खराब है। और इस बार तो दादाजी भी मेरा साथ नहीं देंगे। चंपूराम ये तुमने क्या किया, मेरा पोता होके तुमने ऐसा किया? ले जा इसे मेरी नजरों के सामने से। और मेरी मम्मी वो तो बेचारी चिल्लाएगी। बच्ची जी टप्पू ये तूने क्या किया, मैंने राज सिंह भाभी को वचन दिया था, तूने मेरा वचन तोड़ दिया। चलो फ्रेंड्स चलो चलो। मेरी टप्पू सेन आ गई। आज भी केरी लाए हो? अरे मैंने सुना आप लोग ने बहुत अच्छा केरी लाया था। अरे टप्पू, अरे इन्हें क्या हुआ? टप्पू कुछ सोचना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, तुम लोग मेरे साथ घर चलो, क्या ना मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। टप्पू बराबर कह रहा है, जो भी डांट मिलेगी वो मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ, गोली तो सचमुच टेंशन में, पहली बार कुछ मिल बांट कर खाने की बात कर रहा है। अगर दया आंटी हमारी प्रॉब्लम समझ गई तो वो हम सबके आई बाबा को मना लेंगी। हाँ ग्रेट आइडिया सोनू, चलो चलो जल्दी चलते चलो। पर फ्रेंड्स टेंशन मम्मी का है ही नहीं, मम्मी तो मान जाएगी, टेंशन पापा का है, जब पापा को पता चलेगा पापा तो मेरा कचुम्बर बना देंगे। ये गोगी और टप्पू की वजह से अब तक सर भारी है। मोटू काका, क्यों क्या क्यों? अरे सेठ जी वो हमारा कस्टमर है, उसे भगाने को क्या बोल रहे हैं? अरे भगाने का नहीं बोल रहा हूँ, जाके देखिए उनको क्या चाहिए ऐसा बोल रहा हूँ। मुझे बोलने की जरूरत है? इट इज माय ड्यूटी। सत श्री अकाल पाजी। पाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बोलिए क्या सेवा करूं? ओ, मुझे इलेक्ट्रॉनिक लस्सी बनाने वाली मशीन चाहिए जी। पाजी
ये लस्सी मेकर नहीं वॉशिंग मशीन है। और चुप कर रहे तू, वॉशिंग मशीन होगी तेरे लिए। ओए हमारे घर में पार्टी शार्टी होती है ना जब भी, तो हम लस्सी इसमें ही बनाते हैं। लेकिन सरदार जी इसमें लस्सी कैसे बन सकती है, ये तो वॉशिंग मशीन है। नटो काका आप अपने आप को नटोलाल बोलते हो लेकिन हम आपको नटो काका बोलते हैं, लेकिन आप है तो है कि ना। उसी तरह हम इसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं लेकिन पाजी इसको इलेक्ट्रॉनिक लस्सी मेकर बोलते हैं, लेकिन है तो एक ही चीज ना। उनको जो चाहिए दे दो ना भाई, क्यों मगजमारी कर रहे हो। ओके ओके और थैंक यू प्राजी, थैंक यू। अरे कोई गल नहीं पापा जी, बेफिक्र रहो, और भी कुछ चाहिए होंदा तो देख लीजिए। ओ ठीक है जी, जरूर जरूर। फोन है, ओ एक मिनट। हेलो, ओ की गल कर दिए। ओए तू उसको चुप करा, उसको रोने मत दे, आपस में थोड़ी देर में आ रहा हूँ अभी। हाँ ओए मैं इसको ना छड्डूंगा नहीं, मेरी तंगा तोड़ दूंगा। क्या हुआ पाजी? ओ जी मेरे पड़ोसी के बच्चे ने मेरे बच्चे का खिलौना तोड़ दिया। वो बच्चा मेरा अभी चुप ही नहीं कर रहा है और रो ही जा रहा है। ओए लेकिन मैं खिलौना तोड़ने वाले को ना छड्डूंगा नहीं देखना। अरे टप्पू से आई हो बेटा, आप लोग धूप में खेल कर आए हो ना, मैं आप लोगों के लिए नींबू पानी बना देती हूँ। बापूजी आपके लिए भी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, मेरे लिए अलग से मत बनाना, मैं थोड़ा टप्पू में से ही पी लूंगा। पोते के साथ भागीदारी करने में दादा को बहुत मजा आता है ना टप्पूड़ा। मम्मी अपना गोगी है ना। हाँ, मुझे लगा टप्पू सेना में कोई कम है। कहाँ है गोगी, उसको बुला, मैं उसके लिए लस्सी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, लस्सी बनाने की जरूरत नहीं है, गोगी हमारे साथ नहीं है। वो क्या, वो कहाँ है? वो आम के पेड़ पे। ए? वो वहाँ क्या कर रहा है बेटा? मम्मी हुआ यूं के हम सब लोग आम तोड़ने गए और ऐसे गोगी आम के पेड़ पर फंस गया। सॉरी मम्मी, सॉरी दादाजी। अरे क्या सॉरी टप्पू, टप्पू ये तूने क्या किया? अब गोगी जाके माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे? अरे रोज रोज आम तोड़ने जाने की क्या जरूरत थी? तो बिल्कुल झिटिया पे गए। मैंने रोशन भाभी को वचन दिया था आपके गोगी का पूरा ख्याल रखूंगी, अब मैं रोशन भाभी को क्या जवाब दूंगी? तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों का, क्या करूं मैं? गलती हमारी भी है, हमें पहले ही तुम लोगों को रोक देना चाहिए था। बापूजी अब क्या करेंगे? बहू हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, हमें संग्राम सिंह के पास जाना पड़ेगा गोगी को छुड़ाने के लिए। मैं काम करता हूँ, सोसाइटी में सबको जमा करता हूँ, तब तक तू जेठिया को फोन करके बुला ले। जी बापूजी। चलो बच्चों, चलो। परमिंदर सिंह भबरा। हाँ जी। एड्रेस? हाँ बोल दे। टप्पू के पापा आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दुकान से सोसाइटी में आ जाइए, अगर विमान मिले तो विमान में उड़कर आ जाइए, रॉकेट मिले तो रॉकेट में आ जाइए, लेकिन जल्दी जल्दी आ जाइए। अरे यहाँ रिक्शा मुश्किल से मिलती है, रॉकेट पकड़ के कैसे आऊँ? पर क्या हुआ, क्या होता बोल पहले। टप्पू के पापा वो अपने गोगी है ना, वो बेचारा आम के पेड़ पर लटक गया है। क्या कैसे वो हुआ? योगी वो ये टप्पू को मैंने बोला था गोगी को अपने साथ मत लेके जाना, तेरा बेटा मेरी कोई बात मानता क्यों नहीं है? फिलहाल अब मेरी बात मानिए, अब जल्दी से घर आ जाइए। हाँ ठीक है आता हूँ। हे माता जी गोगी की रक्षा करना। नटू काका
मैं जरा घर जाके आता हूँ। ओके हो गया प्राजी। ओ हमारे पड़ोसी है सोढ़ी भाई, आपकी तरह सरदार जी है। तो वो रोशन भाभी क्या अमृतसर गए और उनका बेटा गोगी को हमारे घर पे छोड़ के गए। तो उनका बेटा गोगी वो आम तोड़ने के चक्कर में आम के पेड़ पे चढ़ा और उधर अटक गया। ओए कमाल करते हो आप लोग। ओए अपना बच्चा तुम्हारे भरोसे का छोड़ के गए है और आप लोग उसका ख्याल ही रखा। ओए कैंसिल करो, मुझे नहीं चाहिए मशीन वशीन। ओए एक बच्चा नहीं संभाल सकते और इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे हो। सुनिए देखिए आप, ओए बंद करो दुकान, इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे बच्चे ख्याल रखते। अरे अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे पापा जी सुनिए, बात तो सुनिए पापा जी। अरे भामरा साहब, इनका गोगी के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इतना भड़क के गए। तो सोढ़ी का तो गोगी अपना खुद का बेटा है, उसको पता चलेगा तो मुझ पे कितना भड़केगा। ओ खोडाई जी, नटू काका मैं आता हूँ घर जाके। नटू काका, जीवन में रोज कुछ ना कुछ नया जानने मिलता है। आज पता चला वॉशिंग मशीन लस्सी बनाने के काम भी आ सकता है। वेरी इनोवेटिव भाई। तुम दोनों में से कोई एक आदमी जिम्मेदारी तय कर लो। तुम्हें बोलता हूँ तो उसको पूछो, उसको बोलता हूँ तो तुम्हें पूछो, भाई किससे पूछूं आखिर में। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता, सब कुछ पता चला। क्या पता चला, क्या हुआ? अरे भाई वो गोगी की वजह से टप्पू मुसीबत में फंस गया है। मेरा मतलब है टप्पू की वजह से गोगी मुसीबत में फंस गया है। आप फटाफट ऑफिस से सोसाइटी पहुंचाओ। अरे यार चलो ठीक है, पहुंचता हूँ मैं। भाई साहब कोकोदाम सोसाइटी गोरेगांव ले लो जल्दी। चल। जल्दी जल्दी भाई जल्दी जल्दी। ये टप्पू क्या करूं मैं उसका। अरे ओ भाई साहब किधर जा रहे हो? इधर आप बोला गोकुल डेयरी नवी मुंबई वाशी ना। अरे भाई गोकुल डेयरी नहीं, गोकुल धाम सोसाइटी गोरेगांव वाशी नहीं, गोरेगांव फिल्म सिटी के बाजू में ना उधर। अच्छा अच्छा, सुनने में तकलीफ है क्या? क्या? नहीं नहीं, मेरा मेरा जीप का मेरा बोलने में प्रॉब्लम है, आपका कोई कसूर नहीं। सॉरी जल्दी ले लो चल। अच्छा वासी ओके गोरेगांव ले रहे क्या? ओ गोरेगांव इस तरफ है ना, और वासी उस तरफ है, और उसी तरफ आप ले रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ खाली। ये वन वे है, आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा ना। हाँ बराबर बराबर, चलो चलो चलो। कोई मालूम नहीं था ना इसके लिए, सॉरी है, थोड़ा जल्दी। हाँ भाई मैंने पहले ही बोला था वेकेशन में टप्पू सेना हमें चैन से जीने नहीं देगी। खैर उधर गलती हमारी है, बच्चे जब कैरी लेकर आए तो हमें खुश होने की बजाय उन्हें रोकना चाहिए था। लेकिन माधवी सच्चाई जानने के बाद मैंने सोनू को डांटा भी था, याद है ना? सॉरी कोमल, हमें भी गोली को डांटना चाहिए था, लेकिन हम लोग पराठे और कैरी की सब्जी खाने के चक्कर में डांटना ही भूल गए। अरे अरे अभी जो हो गया वो सोचने का वक्त नहीं है, फिलहाल गोगी को बचाने के बारे में सोचो। हाँ करेक्ट है करेक्ट है। क्या करेक्ट है गोड़िया, शांत बस। गोली दादाजी, गोगी को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे टप्पू तू चिंता मत कर, फानूस बन के जिनकी हिफाजत दादाजी करे उसे वो संग्राम सिंह कितनी भी फूंक मारे बुझा ना सके। मेहता साहब आ गए, आइए आइए मेहता साहब। क्या गोगी का क्या हुआ भाई ये सब कुछ? जेठालाल कहाँ? उसने तो मुझे फोन करके बुलाया और खुद कहाँ है? मैं तो सर टप्पू के पापा मैं साथ ही होंगे। हे भगवान, अब मेरे वचन का क्या होगा? मैंने रासन भाभी को वचन दिया था आपके गोगी का पूरा ख्याल रखूंगी, पर अगर मैंने मेरा वचन नहीं निभाया तो लोग मुझे ए मुरे चौगड़िया ऐसा क्या क्या बुलाएंगे। मोहरत भाई चौगड़िया, वो क्या है? मोहरत भाई चौगड़िया नाम के एक ऐतिहासिक नेता थे, उन्होंने कई चुनाव
जीते और हर चुनाव जीतने से पहले वो बहुत सारे वचन भी देते थे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक भी वचन नहीं निभाते थे। और ऐसा 2-3 साल चला, फिर जनता ने उनको वचन दिया कि अगले चुनाव में हम आपको जीतने नहीं देंगे, और जनता ने अपना वचन निभाया। तब से लेके आज तक जब भी कोई अपना वचन नहीं निभाता, उसको लोग कहते हैं मुहूर्त चौघड़िया। सही कहा दया भाभी, न जाने कौन सा मुहूर्त ऐसा आएगा जब देश के नेता अपना वचन निभाएंगे। दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सही बात। क्या हुआ भाई भिड़े? लो आ गया ऊपर वाला। अरे आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, कोई टेंशन है? लीजिए, पत्रकार हो के आपको कोई खबर ही नहीं है कि क्या हुआ? दिया तले अंधेरा। अरे बताइए ना मेहता साहब क्या हुआ। पपन भाई मैं बताती हूँ। Who are you? ऐसा हुआ क्या, उन्होंने हमारे गोगी को पकड़ लिया? हाँ। मैं दुनिया हिला दूंगा। हाड़ू तो कंदील हलतो है। अरे हाँ हाँ मैं कंदील ऊपर रख के आता हूँ। अरे पोपट लाल अभी तुम्हें कहाँ कंदील रखने की पड़ी है भाई, अभी रुको ना एक मिनट, इधर जरूरी काम चल रहा है। अरे मेहता साहब ये वो वास्तु वाला कंदील है, महाराज ने कहा है कि शुभ मुहूर्त में घर में टांग दो तो जल्दी शादी फिक्स हो जाएगी। तो कम ऑन पोपटलाल भाई, यहाँ गोगी को छुड़ाने का टेंशन है और आपको शादी की पड़ी। हाँ देखो हद है यार पोपटलाल। सुनो पोपट भौजी, सोसाइटी की अलाउद्दीन है हमारे, जादुई कंदील है ना हाथ में उनके। टप्पू के पापा आ गए। कहाँ है टप्पू, टप्पू कहाँ है? अब 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 लपला अब निकल टप्पू। चलो बाहर निकल टप्पू। तुझे मना किया था ना गोगी को अपने साथ मत लेके जाना, सीधी सादी भाषा में समझाता हूँ, समझता नहीं है तो? बापूजी आप ये सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। जब देखो तब टप्पू टप्पू टप्पू। इसमें इसकी गलती नहीं है, सब तेरे संस्कार आए इसमें। ये बापूजी भी कमाल है, जब भी मैं टप्पू को डांटने जाता हूँ उल्टा मुझे ही धो डालते हैं। जेठालाल जब तक चाचा जी धुलाई करते रहेंगे ना तब तक ये चमक बनी रहेगी। वाह बापूजी आपकी बात बरोबर है, इसमें टप्पू की गलती नहीं है, सारी गलती भिड़े की है। माजा का संबंध? अरे काय संबंध का है, तुमने बच्चा को यहाँ क्रिकेट खेलने से मना किया इसलिए बच्चा केरी तोड़ने गए तो ये सब हुआ। जेठालाल मैंने मना किया था, बाद में सोसाइटी मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि बच्चे यहाँ पे खेलेंगे, मैंने नोटिस बोर्ड पे भी लिखा था कि बच्चे यहाँ पे खेल सकते, उसके बावजूद भी वो केरी तोड़ने गए, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे लेकिन जब भी पहले तुमने मना किया तभी बच्चे गए केरी तोड़ने, फिर उनको आदत लग गई, और पहले ही तुमने मना नहीं किया होता तो ये सब होता ही नहीं ना, बच्चे आराम से क्रिकेट खेल रहे होते। हाँ, हाँ। सही बात है, क्या बड़े मास्टर तुम भी। मैं भी मतलब कमाल है, याला मंटा धीना ना देना कंदील लाऊं देना। क्या कंदील? क्या हाँ कंदील वरस अडलेला है। अरे भाई तुम्हारे कंदील के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये कहावत है मराठी की। अच्छा फिर ठीक है। टप्पू के पापा और मेरे रासिक भाभी को क्या जवाब दूंगी? अरे बाप रे छोटी का फोन। मित्र पटाखों की लड़ाई की तरह एक के बाद एक मुसीबतें फूटती ही जा रही है। हम गोकुलधाम के निवासी गोगी को बचाने के लिए निकले और इधर सोढ़ी का फोन आ गया, और अब अगर सोढ़ी को पता चल गया कि उसका गोगी मुसीबत में और पेड़ पे लटक रहा है तो वो प्लेन से लटक कर अमृतसर से मुंबई आ जाएगा। अब क्या करें साहब, इधर गोगी को बचाना है, सोढ़ी को समझाना है और आपको हंसाना है, एक तरफ टपू सेना है और दूसरी तरफ चोट खाए हुए शेर की तरह संग्राम सिंह। भाई अब संग्राम सिंह क्या सजा देगा? जो भी सजा दे आपके लिए मजा ही मजा है, हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक। हेलो हेलो जेठा भाई केम छो? हाँ रोशन भाभी एकदम मजा मा रोशन भाभी, अभी आगे की बात दया करेगी ठीक है? टप्पू के पापा मैं क्या बात करूँ, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? भाई लेडीज बराबर बात कर सकते हैं ना, इसलिए फोन दिया तुझे, छोटी होता तो मैं बात करता।
काय चल रहे? अरे जल्दी बात करो, वहां पे रोशन भाभी का एसटीडी का बिल बढ़ रहा होगा। हाँ जल्दी जल्दी बात कर। हे बाबे मेरी मदद करना। हेलो रसिक भाभी कैसे आप? देवन मैं तो तद्दन मजे में हूँ, तमे बड़ा लोगों केम छो? और हमारी गोकुल धाम सोसाइटी कैसी है? अब सब मजे में है ना? हाँ, हाँ, सब मजे में है, बस एक को छोड़कर। हाँ? अरे सामने से प्रॉब्लम क्यों बता रही है? सॉरी। हेलो डेविन, कौन एक मज्जे में नहीं है? नहीं वो क्या है, मुझे सर दर्द है ना, इसलिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ। ये भगवान, इसको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे तो इसमें मुंह क्यों बिगाड़ रहा है? झूठ बोलना नहीं आता ये तो अच्छी बात है ना। अरे वाह, तुमको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दया भाभी आप कॉल स्पीकर पर रखिए ना, ताकि हम लोग आपकी मदद कर सके। बोलिए रसिन भाभी। डेविन आप अपनी तबीयत संभालो नी बाबा, और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छा मेरा गोगी डिकरा कैसा है? उसकी बहुत याद आ रही है, एक बार उसकी आवाज सुना दीजिए ना। मैं गोगी को फोन पे नहीं बुला सकती। क्यों क्यों फोन पे नहीं बुला सकती? डेविन बड्डू ठीक छे ना? हाँ, हाँ, सब ठीक है, लेकिन गोगी क्यों नहीं आ सकता वो आपको अजी भाभी बताएंगे। क्यों क्यों मैं क्यों क्या बताऊं? सोचा ले रहे हो छे? अरे अंजलि भाभी इससे ज्यादा झूठ बोलने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। हेलो रोशन भाभी। किस भी करूं? हेलो रोशन भाभी। अंजलि भाभी डेविन ने फोन आपको क्यों दे दिया? बड्डू ठीक छे ना? रोशन भाभी वो दया भाभी ने मुझे फोन इसलिए दिया क्योंकि उनको खांसी आ गई। सर्दी और खांसी क्यों होने हो गया है? हाँ तो ठीक हो जाएगी। हाँ तो रोशन भाभी वो गोगी ना बाहर खेलने गया है, जैसे ही आता है मैं आपसे उसकी बात करवा देती हूँ फौरन। और आप गोगी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अंजलि भाभी मुझे गोगी की कोई चिंता नहीं है, वो जेठा भाई और डयाबेन के घर पे है। हाँ हाँ टेंशन की बात तो है ही नहीं, उन लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उस पे एक आज भी नहीं आने देंगे। सही कहा सही कहा। अंजलि भाभी मैं रखती हूँ, खुदाई जी बड्डा नू भलू करे। हा? हम लोग इधर मन्नत पूरे होते ही उधर आ जाएंगे। हा? डोंट वरी आओ जो। हाँ हाँ खुदाई जी। नहीं नहीं साहेब जी, साहेब जी आओ जो। दया भाभी उसके पहले हम लोग गोगी को लेकर आते हैं। अच्छा मैं अभी जाकर उस संग्राम सिंह के कान पकड़ता हूँ और दो कान के बीच में उसका माथा कर देता हूँ। अरे बच्चों में मैंने ऐसे बड़े बड़े 30 मार कान को धूल चढ़ाई है। संग्राम सिंह आ रहा हूँ मैं। बापूजी को रोको, वहाँ जाकर संग्राम सिंह को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उनको अगर रोकना है तो जल्दी रोको, वो तो अभी आपकी दुकान क्रॉस करके होंगे। अरे अरे क्या कर रहे हो जल्दी बापूजी बापूजी। अरे चलो सब लोग, कहाँ रह गए सब लोग? अरे मैं अब्दुल की दुकान तक पहुँच गया था, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। अरे वहाँ तो खड़े खड़े इतनी बातें की, अभी यहाँ भी क्या खड़े खड़े बातें करते रहोगे? चलो चाचा जी। क्या कुछ नहीं। अच्छा हाथ छोड़। नहीं मैंने तो आपको हाथ से पकड़ा ही नहीं है। तो ये किसका हाथ है? वो मेरा बापूजी मेरा। तो क्यों छोड़? सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। चलो चलो बापूजी, मैं तो सब कुछ कहना चाह रहा है। बोलो मेहता साहब। बोल चाचा जी। मैं क्या कह रहा था, हम सब लोग जा रहे हैं तो अगर आप सोसाइटी में रुकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या क्यों मतलब कि अगर मान लो हम लोग उधर जाए चाचा जी और गोगी इधर आ गया तो सोसाइटी में कोई चाहिए ना, आप हो गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ बापूजी हम लोग वहाँ गए और उसी टाइम पे और संग्राम भाई का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने गोगी को छोड़ दिया और गोगी गलती से इधर आ गया, तो इसके लिए तो क्या यहाँ कोई बुजुर्ग हो तो गोगी का अच्छे से स्वागत कर सकता है ना, इसके लिए। हाँ क्या बोल रहे हो आप? यही रहे चाचा जी। हाँ चाचा जी हम लोग जाके लेके आते हैं गोगी को। हाँ बराबर है बापूजी, आप यहीं रुक जाए तो अच्छा रहेगा बापूजी। ठीक है ठीक है। अरे वाह बापूजी। अरे लेकिन तुम लोग तो जाओ जल्दी जाओ। हाँ चलो 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 चलो।
आप एक सवाल का जवाब दे पाओगे? पूछ। अंकल, ये केरी को केरी क्यों कहते हैं? नारियल क्यों नहीं कहते? मुझे नहीं पता। अंकल, केरी को नारियल का नाम देंगे तो एक नाम की दो चीजें हो जाएगी ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा अंकल, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आना ही चाहिए आपको। दुनिया में से कौन सी चीज है जो जितनी सफेद होती है उतनी ही गंदी होती है? बताइए बताइए। अबे मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? जो चीज सफेद होती है वो गंदी कैसे हो सकती है? जवाब दीजिए अंकल। अंकल आप तो बोलिए। अंकल अगर आपको नहीं आता तो मैं जवाब दूं? बता। जवाब दूंगा तो आप मुझे नीचे उतार दोगे ना? पहले सवाल का जवाब दे, फिर मैं सोचूंगा तुझे नीचे उतारना है कि नहीं। बहुत सिंपल है अंकल। बोल। स्कूल का ब्लैक बोर्ड जो सफेद चौक से गंदा हो जाता है और उसे डस्टर से साफ करना पड़ता है। अबे पहले मैंने सोचा था कि तुझे नीचे उतार दूं, लेकिन तेरे सवाल सुनने के बाद ये लगता है कि तू ऊपर ही ठीक है। ऊपर ही ठीक है तू। नहीं अंकल, मैं जोक नहीं बोलूंगा। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। बैठ उधर, बैठ। नहीं नहीं अंकल, अंकल। और खबरदार जो अभी कोई सवाल किया तो। अंकल प्लीज नीचे उतारिए ना अंकल, प्लीज अंकल अंकल अंकल। वैसे सोनू, ये संग्राम सिंह भाई जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्या? आंटी वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं वो नाखून घिसकर आग जला सकता है। अरे बापरे, वो इतना खतरनाक है तो तुम लोग गए क्यों वहाँ कैरी तोड़ने? हमें पहले नहीं पता था ना आंटी, जाने के बाद पता चला। मुझे तो जोरदार टेंशन हो रहा। अरे दया भाभी टेंशन मत कीजिए, देखिए कहते हैं ना कि एकता में ताकत होती है, हम सब साथ हैं। सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तुमने गोगी की जिम्मेदारी ली थी, तुमको अच्छी तरह से निभाना चाहिए था। तो अभी क्या तू मेरे टप्पू के हाथ पे टट्टू बनवाएगा? मेरा बाप गैर जिम्मेदार है। जेठालाल, टट्टू नहीं, टैटू, टैटू। तोड़ू तेरा कंदिल तोड़ू। जेठालाल रहने दो भाई। टट्टू टट्टू टट्टू। जेठालाल तुम अभी विषय बदल रहे हो। अरे बड़े मास्टर, इसमें जेठा भाई की क्या गलती है? ये सब किस्मत का खेल है भाई। हाँ डॉक्टर आते बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, आज डाल पे गोगी बैठा है, उसकी जगह टप्पू भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। नहीं नहीं कोई भी नहीं बेटा साहब, गोली नहीं हो सकता। क्यों बड़े मास्टर, गोली क्यों नहीं हो सकता था? अगर गोली होता तो डाल टूट जाती ना। बड़े मास्टर तुम भी कैसे? अरे नहीं, कर रहे हो। मेरा मतलब वो नहीं था हाथी भाई। तो क्या मतलब क्या था तुम्हारा? एक बाप को तुम उसके मुंह पे बिंदास ऐसा बोलना चाहते हो कि उसका बेटा झाड़िया है? क्या तुमने सबके सामने बोला है डॉक्टर आतिको की गोली होता तो डाल टूट जाती? इसका मतलब क्या? उसका वजन ज्यादा है, मतलब बच्चा के खाता ज्यादा है? लेकिन मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हम ये आम खरीद लेते हैं, अगर संग्राम भाई सिंह जी ने अपनी गेरी वापस मांगी तो बदले में हम उनको ये आम दे सकते हैं। हाँ। तो क्या है, माफी मांगने में भी सरलता रहेगी और हिसाब क्लियर। कच्ची केरी के बदले पके हुए आम। अरे आती भाई ऐसा समझिए ना कि हमने मूल तो चुकाया है, साथ में ब्याज भी चुका दिया। भैया ये आम कैसे दिए? 1000 रुपए। ओके भाई। 1000 रुपए नहीं, सभी आम नहीं चाहिए भाई, सिर्फ 1 डजन चाहिए। 1 डजन का ही भाव है साहेब। 1 डजन का 1000 रुपया? अरे देवा, अरे हमारे जमाने में 70 रुपए में 4 डजन की पेटी आती थी।
बड़े मास्टर आज भी 70 रुपए में आम की पेटी आती है लेकिन खाली, अफसोस उसमें आम नहीं होते। फिर भी हाथी भाई 1000 रुपए डजन मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब तुम्हारे एक आम का हुआ 83 रुपए 33 पैसा। है क्या है? चलो भाई चलो। अरे क्या चलो, रुको भाई, दया की बात बराबर है भाई, आइडिया बराबर है दया का, वो कैरी के बदले आम। हाँ टपो, तुम लोगों ने वो संग्राम सिंह की कितनी कैरी तोड़ी थी? ज्यादा नहीं पापा, सिर्फ 40-50 तोड़े होंगे। हाँ भाई, 5 डजन आम चाहिए, जरा व्याजबी भाव बोलो बोलो। अरे क्या साहेब, बराबर भाव तो बोला, अभी होलसेल मार्केट से यहाँ लेके आने पर वो गाड़ी भाड़ा, मजदूरी और ऊपर से हम लोग का भी तो कमाई होना चाहिए ना साहेब। बरोबर है, पर हम लोग भी मार्केट जाते हैं, हम लोगों को भी भाव बरोबर पता है। 1000 रुपए जरा जास्ता से है नहीं? भाई इनका अचार का बिजनेस है। देखिए भाई, 1000 रुपए तो ज्यादा है, आप 800 लगा दीजिए। अरे अंजलि भाभी, जस्ट लुक एट द साइज, कितने छोटे आम है ये। हाँ 800 तो बहुत लग रहा है मुझे, मुझे लगता है 600 बराबर है। करेक्ट है। हाँ ठीक है, तो भैया 600 लगा दीजिए। देखिए आप लोगों को आम लेना है तो जल्दी ले लीजिए, वरना गोगी माँ पेड़ पे बैठे बैठे ही जवान हो जाएगा। हाँ जल्दी ले लो भाई, आपका भी नहीं हमारा भी नहीं, 800 रुपए बराबर है। हाँ डन। अच्छा ठीक है, 800 दे दो। हाँ चलो भाई, ये 4000 रुपए 800 के हिसाब से 5 डजन फटाफट पैक कर दो, चलो जल्दी। भाई रास्ते के लिए एक टेस्ट के लिए ले रहा हूँ। अरे अरे साहब, वो फल जरा बराबर नहीं है, मैं अच्छा वाला देता हूँ, वो चख लो। ये रख दो। अच्छा वाला दो, अच्छा वाला दो, चलो। हाँ साहब ये लीजिए। अरे भाई रहने दो। ठीक है साहब। बड़े मास्टर, अब आपके जमाने वाली बात नहीं रही, आजकल सब हिसाबी हो गए हैं। पापा अंकल, यही वो जगह है जहाँ से हमने आम तोड़े थे। तो चलिए भवानी का नाम लेके हमला बोल देते हैं। अरे वो हमलावर, शांति रख, गलती हमारे बच्चों की है, शांति से बात करनी पड़ेगी, शांति रख। सही बात, तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब शांति से। मिसल गोगी, मिसल सॉरी मिशन गोगी। हमसे कोई टाइम है मिसल के बारे में बात करने की? निकल जाता है मुंह से। आइए इस तरफ, आइए इस तरफ। हाँ चलो चलो। देखा भी है आम तोड़ना मना है, लेकिन ये सुन फायदा ही नहीं है। और कोई है भी? कहाँ है गोगी भाई, कहाँ है? पापा अंकल, वो देखो गोगी वहाँ पर है। गोगी गोगी अंकल, अंकल मैं यहाँ हूँ, आंटी अंकल। अरे गोगी रुको, आप अंदर कैसे आए? आपको अंदर आने किसने दिया? अच्छा ये संग्राम सिंह है? ये संग्राम नहीं है तो 10 ग्राम है, इसको तो मैं अकेला ही भरी पड़ूंगा, कोई आगे नहीं आएगा। और पापा टपो बास, नहीं बेटा बीच में नहीं बोलना, बास चुप। तो यहाँ का दादा है तू? हाँ बच्चे पता दगरी करता है, अगर असली मर्द है तो मुझसे बात कर संग्राम सिंह। कौन है वो मर्द,
जो मुझे चैलेंज कर रहा है। तो चूहा समझ के किसी की पूछ खींच ले और वो शेर निकल आए तो क्या हाल होगा। उससे कहीं ज्यादा खराब हाल इस वक्त जेठालाल का हुआ है, जब वॉचमैन को संग्राम सिंह समझ के चैलेंज तो कर दिया लेकिन असली संग्राम सिंह को देख के बुखार आ गया। अब क्या होगा, क्या संग्राम सिंह गोगी को छोड़ देगा या जेठालाल को भी गिरफ्त में ले लेगा। भाई कैरी खाने का मजा तो ले लिया लेकिन इस वक्त सजा का वक्त आ गया। कहते हैं कि एकता में ताकत होती है, क्या गोकुलधाम के सभी निवासी एक होकर गोगी को छोड़ा पाएंगे। भाई बहुत टेंशन है लेकिन मनोरंजन के साथ देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। या पोपटलाल, जेठालाल क्या बोल रहे हो भाई, मैंने क्या बोला? देखिए मैं आत्मारम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सुपरी सुपारी मसल के चूरा पूरा हाथों से आयक मेवा अटक क्यों गया मागे या तुम्ही माझे एकमेव चाहत। कुछ नहीं कुछ नहीं। अंकल आपने कहा था ना कि अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, तो हम लोग हमारे पेरेंट्स को लेकर आए। अब तो गोगी को छोड़ दो अंकल। हाँ अंकल अब तो मुझे उतार दो। ए, देखो देखो बेचारा आम के पेड़ पे बैठे बैठे पक गया है। तब अगर अभी मेरा दिमाग खराब किया और मेरा हाथ उठ गया तो आदमी उठता नहीं है, सीधा नवजात शिशु बन जाता है। नवजात शिशु? नवजात शिशु म्हणजे बिना बाल के और बिना दांत के। देखिए भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि माना कि बच्चों ने गलती की है और आपके यहाँ से पेड़ से आम तोड़े, लेकिन बच्चे अगर गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी उम्र में तो आके आम तोड़ के नहीं ले जाएंगे ना। सही बात है। क्या ये संस्कार दिया है आपने अपने बच्चों को के दूसरों के घरों से कैरी चोरी करें? नहीं नहीं पर अंकल हमने चोरी थोड़ी की है, मैंने आपको बताया ना कि हम लोग कैरी ले जा रहे हैं और हमने सिर्फ थोड़ी सी मस्ती की अंकल। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। देखिए संग्राम भाई मैं क्या बोलता हूँ, एक बार जरा गोगी को नीचे तो उतार दीजिए प्लीज, बाद में जो भी हम लोग बैठ के सेटलमेंट कर लेंगे ना। शांति रखने बस बहुत हो गया। संग्राम भाई सिंह जी तुम कौन हो? मैं भारत माता की बेटी हूँ,
एक जिम्मेदार औरत हूँ। मैं सुंदर वीरा की बहन हूँ। मैं चप्पू के पापा की पत्नी हूँ। मैं रक्षक हूँ इन बच्चों की। मैं एक माँ हूँ। चुप करो। ये क्या नाटक चल रहा है? मुझे मेरी एक एक केरी का हिसाब चाहिए। हाँ, तो देंगे ना हम आपको हिसाब। देखिए बच्चों ने आपकी केरी चुराई है ना, तो हम आपको आम देंगे, पक्के मीठे आम। हाँ हाँ, ये देखिए। देखा, आप ये आम ले लीजिए और बच्चे को छोड़ दीजिए। हाँ हाँ संग्राम जी, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, हिसाब बराबर। सही बात है। आप लोग मुझे केरी के बदले आम दे रहे हो? हाँ। पका हुआ। मैं आप लोगों को बच्चे के बदले आदमी दे दूं? हाँ। वो भी बड़ा हुआ, चलेगा? Disgusting. He's comparing kids with carry. Hans, why waste time? Just call the police. Yeah, why not? Please call the police. I have the evidence. एक मिनट क्या बातें चल रही है, मुझे भी बताओ कोई भाई। ये आपकी पढ़ी लिखी मैडम बोल रही है कि पुलिस को बुलाना चाहिए। मैंने कहा पुलिस को बुला लो, मेरे पास सबूत है। बोल भाभी, नहीं पुलिस किधर इधर। अभी आपके ये बच्चे मेरे फार्म हाउस पर आम चुरा रहे थे, मैंने चोरी करते हुए रिकॉर्डिंग की है, ये देखिए। बच्चों ये सब क्या है? अब बोलिए, बुलाना है पुलिस को? नहीं 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 भाई, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस को बुलाऊंगा तो आप लोग के ही बच्चे फंसेंगे। बुलाऊं? हंस भाई साहब, माना कि बच्चों की गलती है, लेकिन बच्चों ने हीरे मोती थोड़े ही चुराए हैं, खाने की चीज तो चुराई है ना, बच्चे तो बच्चे हैं। चोरी हीरे मोती की हो या आम की, चोरी चोरी होती है। देखिए संग्राम सिंह जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चोरी चोरी ही होती है, छोटी या बड़ी नहीं होती। इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और ये ख्याल रखेंगे कि दोबारा बच्चे गलती ना करें। और असल में गलती इनकी नहीं, हमारी भी है, हम माफी मांगते हैं आपसे, प्लीज। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। लेकिन यही बात मैं इस गोगी के माँ बाप से सुनना चाहता हूँ। लेकिन उसके मम्मी पापा अमृतसर गए हैं। अरे वाह, बच्चे को यहाँ अकेला छोड़कर वो लोग अमृतसर चले गए? झूठ मत बोलो। जब तक इस गोगी के माँ बाप यहाँ आकर मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे जानते नहीं है, मैं तूफान एक्सप्रेस का सीनियर पत्रकार हूँ। अगर इस वाक्य के बारे में मैंने कल के अखबार में छाप दिया ना, तो तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। छापू बोलो, छापू। अरे सत्ता सामे शाणपण ना हो। छाप दे, छाप, छोड़ो छोड़ो, सॉरी सॉरी।
आपकी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली सारी गलती मेरी है, बल्कि मेरी भी गलती नहीं है, ये कोई और ऐसा सोच रहा था तो गलती से किसी और की मन की सोच का विचार जो है वो मेरे मुंह से गलती से कैसे निकल गया भाई? कौन ऐसा सोच रहा है? काय बोलता है थे? सही भेट झाला है तो अति देते माती म्हणतात ना ते असं. तुम्हारी शादी नहीं होगी और क्या? अरे शुभ शुभ बोल भाई, क्या कुछ भी बोल रहा है? अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ पोपटलाल, वो किसी और के विचार पता नहीं मेरे मुंह से कैसे बाहर आ गए. अंकल या नौटंकी, अब मेरे विचार मेरे मुंह से सुनो. मुझे इस बच्चे के माँ बाप चाहिए, वो भी एक घंटे के अंदर. एक घंटे में समझे? अरे पर समझने की कोशिश कीजिए, वो सही में अमृतसर गए हुए हैं, असली में आ गए हैं. आप प्लीज अमृतसर गए हुए हैं सुनो मम्मी पापा भाई, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता. तुम लोग जितनी देर यहाँ खड़े रहोगे तुम लोगों का टाइम उतना ही वेस्ट होगा. कसे शक्य है? अरे मैडम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. या चले जाइए. हाय, चलो निकलो, चलो निकलो. तो जा. चल. मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो. गोगी तुम, गोगी गोगी चिट्टा मत करना. हैं? गोगी चिट्टा मत करना. चिट्टा मत करना गोगी. चिट्टा मत करना गोगी. बेटा आते हैं अभी. हाँ तू टेंशन मत ले गोगी, हम लोग आते हैं. चिंता मत करो, आ रहे हैं. आते आते. एक घंटे में लेंगे. चलो 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 भाई जल्दी. तो सर किधर चलो? अरे अरे रुको भाई, रुको रुको. अरे ये सब टूटी के लेकिन आता काय करायचं आहे? आता काय करायचं म्हणजे रोशन भाभी और सोडी भाई को लाना ही पड़ेगा. लेकिन माधवी भाभी एक घंटे के अंदर सोडी और रोशन भाभी को कहाँ से लाएंगे? मतलब जब तक सोडी भाई और रोशन भाभी नहीं आएंगे तब तक गोगी बिचारा ऐसे पेड़ पर बैठा रहेगा, फिर तो मुसीबत हो जाएगी. अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तीसरा कंडल कहाँ से लाऊं? ये भाई देर से शादी.com अपना कंदिल पुराण बंद करना भाई. अभी चिंता कंदिल की नहीं है, चिंता ये है कि सोडी और रोशन भाभी को कैसे लेके आए. नेता साहब, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि किसी सरदार कपल को ढूंढे और उन्हें मनाए कि वो गोगी के मम्मी डैडी बन के आए. ओके भाई, अब सरदार कपल कहाँ ढूंढने जाएंगे? हाँ एक आइडिया है. क्या? बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन
वो लोग मानेंगे? बात करके देख लेते हैं, बात करने में क्या हर्ज है। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? नहीं नहीं बहुत कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए मिलना था थोड़ा सा। नहीं नहीं हम लोग सोसाइटी में नहीं है, कहाँ मिल सकते हैं या आसपास? मतलब साहब वो पास में एक होटल है ना स्वादिष्ट। खाना तो स्वादिष्ट होगा पर होटल का नाम क्या है? तो साहब होटल का नाम ही स्वादिष्ट है, क्या है कि जब तक वो लोग आएंगे तब तक हम लोग कुछ चाय नाश्ता भी कर लेंगे। कम ऑन हंस, इतनी टेंशन में भी तुम्हें खाने की पड़ी है। कोमल खाते खाते वेट करे या बिना खाए वेट करे, वेट तो करना ही है ना। या राइट। अच्छा एक मिनट मैं बोल दूं उसको। हेलो तुमने स्वादिष्ट होटल देखा है? वेरी गुड, ठीक है वहां पहुंच जाओ जल्दी। ठीक है आ रहा है, वो आ रहा है। अरे वाह, अरे दया क्या कर रही है भाई। सॉरी सॉरी, अगर ये तुक्का चल गया ना तो मैं और टप्पू के पापा सिर्फ दो पैसे मंदिर जाएंगे और माता जी को नारियल चढ़ाएंगे। दया भगवान ने हमें दो पैरे दिए तो दो पैर से ही चल के मंदिर जाएंगे ना। टप्पू के पापा आपने ठीक से सुना नहीं, हम दोनों के मिलाकर टोटल कितने पैर हुए? चार। बराबर, लेकिन मैंने बोला कि हम दोनों मिलके सिर्फ दो पैर से जाएंगे, मतलब एक पैर आपका और एक पैर मेरा। मतलब लंगड़ी करते करते जाएंगे? हाँ वैसे भी जा सकते हैं। वैसे भी जा सकते हैं मतलब वैसे नहीं जाना हो तो तू क्या बोल रही है, कैसे जाना है? हाँ वही मतलब लंगड़ी करते करते ही जाएंगे। अरे भाई गोगी सही सलामत पेड़ से उतर जाए तो मैं ऐसे भी नारियल चढ़ाने को तैयार हूँ। हाँ भाई लेकिन अभी चले यहाँ से जल्दी। हाँ चलो 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 चलो, उठा लो दया ये इसको, तुझे नहीं। बहुत टाइम हो गया है लोग, अभी तक आए क्यों नहीं मेहता साहब? आ जाएंगे जेठालाल आ जाएंगे। अगर इडली ऑर्डर करो तो तुरंत आ जाती है, लेकिन रवा मसाला और डोसा ऑर्डर करो तो टाइम तो लगता ही है ना। अरे वाह रवा मसाला डोसा, अय्यर भाई का नया नाम रखा है आपने। नहीं, 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 नाम नहीं रखा भाई, मेरे कहने का मतलब है कि आसान काम हो तो फटाफट हो जाता है लेकिन मुश्किल काम हो तो टाइम लगता है। इडली और डोसा की तो मैंने सिर्फ उपमा दी है। लो अब उपमा भी आ गया। हाथी भाई उपमा मतलब उदाहरण दिया, एग्जाम्पल। मेहता साहब ऐसे खाने की चीजों का उदाहरण मत दीजिए, मुझे परेशानी होती है। अरे देखो वो लोग आ गए। अरे मेहता साहब क्या बात है, इतना अर्जेंट में हमको बुलाया और आप सब लोग यहाँ पर, क्या बात है क्या? हाँ व्हाट्स द मैटर? देखो अय्यर। अरे अय्यर भाई बहुत बड़ी रामायण हो गई है, तो गोगी का हरण हो गया, आपको जटायु बनना पड़ेगा। क्या जटायु? अरे भाई मैं भी सिर्फ उदाहरण ही दे रहा था। पोपटलाल जरा सामने तो देखो कौन है, अय्यर भाई है। ऐसे उदाहरण मत दो उनका समझ में, ऐसी आसान भाषा में समझाओ भाई। मैं समझाती हूँ, देखिए रोशन भाभी और सोटी भाई अमृतसर गए हैं तो गोगी को हमारे भरोसे छोड़कर गए थे तो। अरे दया इतना पहले से कहाँ समझा रही है भाई, आज की अभी की बात कर। सॉरी दरअसल हुआ यूं कि वो गॉड यह जयलाल की वजह से हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही है। इसमें मैं कब इसमें आया यार भाई? बबीता जी जयलाल जब गोगी को संभाल नहीं सकते थे तो उसकी जिम्मेदारी क्यों ली? अय्यर अभी इल्जाम मत लगाओ, सलूशन ढूंढते इसका। हाँ वाह वाह बबीता जी वाह। कहिए मेहता जी अब हमें क्या करना है? आप लोगों को गोगी का माँ बाप बनना पड़ेगा। पर ये कैसे पॉसिबल है? बहुत आसान है बबीता जी, देखिए आप है ना वो सलवार खमीस पहन लेना और अय्यर भाई आप दाढ़ी मूछ और पगड़ी पहन के सरदार जी बन जाना। ओ मैं बनाता याद है एक बार वो स्विमिंग पूल में वो पगड़ी तैयारी आती है खाली ऐसे पहन लेने की होती है। करेक्ट है करेक्ट है जेठालाल, तुमको तो एक्सपीरियंस भी है तो फिर तुम ही सरदार बन जाओ।
यार भाई वो संग्राम सिंह हम सबको देख चुका है, मिल चुका है, वरना हम में से कोई बन जाता, आपको यहाँ तक मंगाते ही नहीं। नहीं नहीं नो इल्ले, ये हमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। अरे अय्यर भाई बबीता जी अब प्लेज मान जाइए ना। अरे दया बबीता जी तो मान ही गए, अय्यर भाई टांग अड़ा रहे। क्या अय्यर भाई मान जाइए ना, साइंटिस्ट का दिमाग का चुना भट्टी कर रहे। देखो जयलाल अय्यर भाई प्लेज मान जाइए ना, हाँ कह दीजिए ना, मैंने रोशन भाभी को वचन दिया था मैं गोगी का पूरा ध्यान रखूंगी प्लेज। और मेरी माँ हमेशा कहती है दया बेटा प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन दया भाभी अय्यर पड़ोसी की मदद करना हमारा फर्ज है, और गोगी के लिए क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते। वाह 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 बबीता जी वाह, कितनी करुणा है आपके अंदर। नहीं दया अय्यर भाई प्लीज जल्दी कीजिए ना, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो संग्राम सिंह ने हमें सिर्फ एक घंटे की मोहलत दी है प्लीज। अरे अय्यर अंकल अंकल अय्यर अय्यर ओके ओके मैं सरदार बनूंगा। लेकिन एक मिनट प्रॉब्लम है। क्या? मैं सरदार तो बन जाऊंगा लेकिन पंजाबी बोलूंगा कैसे? कहते हैं कि गाय अगर शेर की खाल भी पहन ले तो दहाड़ना तो नहीं सीख जाएगी, ठीक ऐसा ही हाल इस वक्त अय्यर का है। अय्यर सरदार जी बन तो गए लेकिन अब सरदार जी की तरह बोलेंगे कैसे? भाई हमेशा आइए करने वाले अय्यर बल्ले बल्ले कैसे करेंगे? कहीं अय्यर बबीता ने कुछ गड़बड़ कर दी और संग्राम सिंह ने ये ताड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बच्चे तो नहीं छूटेंगे उल्टे माँ बाप फंस जाएंगे। अब गोगी में जेठालाल की जान है अटकी, इसलिए फूटने वाली है हास्य की मटकी। आपको इस गर्मी में अगर ठंडक का एहसास करना है तो देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ अय्यर भाई बोलेंगे तो चिल्लर भी खर जाएंगे। आप एक काम करो, आप कुछ बोलना मत वहां पर, आप गूंगे बन के आ जाओ। अरे तो फिर ये माफी कैसे मांगेंगे? एक मिनट अय्यर भाई, आप जैसे ही संग्राम सिंह से मिले आप कह दीजिएगा कि मैं साउथ में पला बड़ा पंजाबी हूँ, यू नो साउथ इंडियन पंजाबी, तो मेरी भाषा ऐसी है। हाँ गुड आइडिया। वाह वाह अंजलि भाभी क्या आइडिया दिया है आपने, बराबर है, एकदम बराबर है। अय्यर भाई मान लो आप अफ्रीका के जंगल में पले बड़े होते हैं ऐसे सब भाषा बोलते हैं ना। जयलाल तुम ऐसा बोलोगे तो मेरे को सरदार नहीं बनना है। नहीं 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 अय्यर भाई सॉरी सॉरी। जेठालाल क्या कर रहे हो भाई, शांति रखो ना। अरे भाई मैं भी आपके नक्शा कदम पे चल रहा हूँ, उदाहरण दे रहा था। ऐसा उदाहरण मत दो ना भाई। ओके ओके देखो अय्यर चिंता मत करो, तुम बिल्कुल नहीं फंसोगे। तुम एक काम करना, जहां भी अटक जाओ वहां सीधा हाथ उठा के बल्ले 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 याहू याहू करना शुरू कर देना। बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता साहब, बहुत बड़ी आइडिया आज आप और अंजलि भाभी, क्या बात आइडिया फेंक रहे। और मान लो अय्यर भाई भूल गए वो बल्ले बल्ले करने का, तो हम सब मिलकर उसी जगह पे बल्ले 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 कर देंगे, बराबर है सब? एकदम बराबर। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 2 3 4 बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ याहू याहू ओ याहू याहू ओ याहू याहू ओ याहू याहू। अरे आप लोग डांस क्या कर रहे हैं अभी? मैं एक काम करती हूँ, मैं बबीता जी और अय्यर भाई को लेके छगनलाल ड्रेस वाला के वहाँ जाती हूँ, उनको तैयार करके यहाँ लेके आती हूँ। तारक आप भी चलिए ना, मेरे साथ हेल्प रहेगी। ठीक है अंजलि हम लोग जाते हैं, आप लोग एक काम करिए, हम लोग जब तक इनको तैयार करके लाए तब तक संग्राम सिंह को बातों में बिजी रखिए, ठीक है? वाह गोगी के माँ बाप को लेकर नहीं आए? हाँ आ रहे आ रहे, बस रास्ते में ही आ रहे। हाँ अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो अमृतसर में है, अब आ रहे? सब के सब झूठे हो। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है।
तारक रैयस भाई रेडी? हाँ, मेरे ख्याल से बस आते ही होंगे। और बबीता जी? रेडी। लो, आ गए। हाय, तुम दोनों एकदम परफेक्ट पंजाबी जोड़ी लग रहे हो। थैंक यू मैडम साहब, आपने तो हम दोनों का गैट में चेंज कर दिया। थैंक यू नहीं, ओ थैंक यू ऐसे बोलो, पर अभी कुछ मत बोलो, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो चलो। चलो चलो, बहुत प्रॉब्लम है बबीता जी। मैडम साहब, मेरे को बड़े डर लग रहे हैं। अरे डरने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक होगा। अरे रिक्शा रिक्शा रिक्शा, ओ पाजी मेरी गड्डी को आज की तुझे देखी कितने? क्या बोल रहा है ये? पता नहीं। मेहता साहब बल्ले बल्ले करो यार, बल्ले 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 भाई, बल्ले 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 बल्ले। ओए पागल हो गया तू? ओए मेरी गड्डी को बची और तू इधर बल्ले बल्ले कर जा रहे हैं? याहू 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 याहू। ओए खोतिया, तेनू पकड़ के मारूंगा मैं। भाई मेरी इधर गड्डी को आज की और तू इधर बल्ले बल्ले करी जा रहा है, यहाँ यहाँ करी जा रहा है। सरदार जी आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओए बटरासी सरदार। एक मिनट पापा जी, दरअसल ये सरदार नहीं है, साउथ इंडियन है। हाँ फ्रॉम तमिलनाडु। ओए तू सरदार नहीं साउथ इंडियन है? ओए तू सरदार बन के क्यों घूम रहा है? और पागल लगा तू, पागल खाने फोन करूं मैं? अरे नहीं नहीं प्लीज। देखिए सरदार जी आप नाराज मत होइए, असल में इन्होंने जानबूझ के वेश नहीं धराया, एक बच्चे की रक्षा करने के लिए हमने इन्हें सरदार जी बनाया। असल में हमारे दोस्त हैं रोशन सिंह छोड़ी, हम सब लोग गोकुल धाम में रहते हैं, वो जरा अमृतसर गए हैं बाहर, और उनका बच्चा यहाँ पे खेल रहा था, आम तोड़ रहा था, तो एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। अब वो कह रहा है कि जब तक इसके माँ बाप नहीं आएंगे हम इस बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। अमृतसर से तो हम छोड़ी को कैसे बुलाते, तो हमने इस बच्चे की रक्षा के लिए इन्हें सरदार बनाया। प्लीज इसका बुरा ना लगाएं आप। प्लीज 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 जी सरदार जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बहन जी, ओए आप लोगों की आंखों में ना सच्चाई दिख रही है। ओ जी चिंता मत करो, वाहेगुरु जी सब ठीक कर देंगे। हैं थैंक यू जी। ठीक है चंगा जी। ओ सरदार जी, वो गड्डी गवाच गई का मतलब क्या होता है? ओ यार मेरी गाड़ी है ना गवाच गई है, मतलब गुम हो गई है। ओके तो गड्डी मिल जाएगी आपको? मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। चलो 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 यार, किथे गई गड्डी यार? क्या हुआ, और कितनी देर है, कब आएंगे इसके माँ बाप? संग्राम सिंह जी, गोगी के माँ बाप तैयार हैं। आ गए, मेरा मतलब आ गए। नमस्ते, नशीब आ गए। बल्ले 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 बल्ले। यार भाई क्या कर रहे हैं? क्यों? अरे इनको बोला था कि बल्ले बल्ले करना है, लेकिन जब अटके तब करना है बल्ले बल्ले। ये पक्का फंसाएंगे। जिस बाप का बेटा ऐसे पेड़ पे फंसा हुआ ऐसे बल्ले बल्ले करता है। अरे वाह यार भाई, तो हूबहू सरदार लग रहे हैं। बराबर, लेकिन एक्टिंग बराबर होनी चाहिए। सत श्री अकाल जी। गोगी देखा, तुम्हारा मम्मी पापा आ गए। वो ये पापा को क्या हो गया? वो गोगी बेटा, वो अमृतसर में धूप बहुत थी ना, तो उसका थोड़ा असर हुआ है पापा को। हाँ जरा काल, तुम्हारे पापा टैन हो गए बेटा। हाँ टैन हो गए। टैन टैन मतलब रंग सांवला हो गया। हाँ हम ही हैं गोगी के मम्मी पापा। कहिए क्या काम था हमसे? अरे ये तो बबीता आंटी है। संग्राम अंकल। ओए चुप। हाँ चुप रहे बेटा।
तो तुम हो गोगी के माँ बाप? हाँ जी। आपका कुछ डाउट है? रुम्बा भयंकरमा इरके। आप लोगों ने हमें बताया नहीं कि ये आदमी इतना खतरनाक है? ये सरदार साउथ इंडियन लहजे में क्यों बात कर रहा है? संग्राम सिंह जी, असल में क्या है कि ये साउथ इंडिया में पैदा हुए, वहीं पले बड़े, तो उसकी वजह से उच्चारण गड़बड़ हो गया है। देखिए, आपको जो सजा देनी है वो आप हमें दे दीजिए, बट आप प्लीज हमारे गोगी को माफ कर दीजिए। वाह वाह बबीता जी, वाह, आपकी बात सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बबीता, लेकिन ये गोगी तो बोल रहा था कि इसकी माँ का नाम रोशन है। बोला ये गोगी ने ऐसा क्यों बोला होगा? बहुत प्यारा बच्चा है, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है। बोला होगा मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। उनको बोलिए संग्राम सिंह को। हाँ, मुझे तो पता ही है। संग्राम सिंह जी, असल में गोगी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, ऐसा इसने कहा था। तो बोलता है माँ का नाम भी रोशन करेगा और पिताजी का नाम भी रोशन करेगा। आपको सुनने में कोई गलतफहमी हो गई होगी। एक्चुअली माँ बाप का नाम रोशन। नाम क्या है आपका? रजनन अय्यर। रोशन सिंह सोढ़ी। रोशन सिंह सोढ़ी। सोढ़ी या अय्यर? दोनों। वो मम्मी जो है, माता जी इनकी, वो साउथ इंडिया से है, और पापा जी है वो पंजाबी है। वो दरअसल क्या है, इनके पिताजी ने प्यार से इनका नाम रोशन भाई सिंह सोढ़ी रखा और माता जी ने प्यार से इनका नाम कृष्णन भाई अय्यर रखा। देखिए, आप हमसे मिलना चाहते थे तो हम तो आ ही गए ना यहाँ पे, तो अब तो हमारे बेटे को पेड़ से नीचे उतार दीजिए प्लीज। प्लीज 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 संग्राम सिंह जी, अभी तो उतार दीजिए प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए जरा। जरा जाओ बुला रे, जाओ सोढ़ी भाई। एक काम करो, इस पेड़ पर जो सबसे ऊपर टहनी पर आम लटका हुआ है ना, उसे तोड़ कर लाओ। जाओ। आपकी ऑफर सुन के सोढ़ी भाई खुश हो गए। जाइए जाइए जल्दी ऊपर जाइए अय्यर भाई। बजरंग बली का नाम लो, फटाफट पेड़ पे चढ़ जाओ। लाओ लाओ जाओ जाओ ले जाओ। अरे जेठालाल, तुम क्या बोल रहे हो? मैं पेड़ पर चढ़ जाओ? मैं पेड़ पर चढ़ा और नीचे गिर गया और मेरे को चोट लग गई तो फिर? अच्छा, और ये नहीं सोचते हो कि बेटा पेड़ पर चढ़ जाए और वो ऊपर से नीचे गिर जाए और उसे चोट आ गई तो उसका क्या होगा? वो क्या है ना संग्राम जी, मेरे को वर्टिगो है। वो क्या, मैं ऊपर हाइट जैसा नीचे देखता है ना तो मेरे को चक्कर आने लगता है। अच्छा, तुम टप्पू के पापा हो ना? क्यों? हो या नहीं? हाँ। तो एक काम करो, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ और सबसे ऊपर की टहनी पे जो आम लगा हुआ है उसे तोड़ कर लाओ। जाओ। नहीं नहीं, मेरा तो ये अय्यर भाई से भी भारी प्रॉब्लम है। मैं ऐसे नीचे से ऊपर देखता हूँ तो भी मुझे ऐसे चक्कर आते, इसीलिए ज्यादा देर तक मैं आपका सामने भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आप भी थोड़े हाइट पे है ना, तो ज्यादा देर देखता हूँ ना चक्कर चक्कर आते। अभी देखा ना इसके लिए। आप लोगों के बच्चे भी आम तोड़ने आए थे ना, तो आइए। आप में से कोई इस आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़कर लाइए, जाइए। नहीं नहीं संग्रांति जी, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता।
और अगर गलती से चढ़ भी गया तो गिर जाऊंगा और गिर गया तो हड्डी टूट जाएगी और सर पे चोट आ गई तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वाह कमाल है, बहुत अच्छे। खुद आम के पेड़ पर चढ़ो और वहां से गिर जाओ और चोट आ जाए, इस बात की चिंता है आप लोगों को? लेकिन आप लोगों के बच्चे आम के पेड़ पर चढ़े और वहां से गिरकर उन्हें चोट आ जाए, इस बात की चिंता नहीं है? मस्ती मस्ती में कितना बड़ा हादसा हो सकता है जानते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। आप लोग को लगता होगा ना कि ये संग्राम सिंह इतना कठोर इतना निर्दय क्यों है, बच्चों के साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आता है? अभी बताता हूं, जाकर भैरव को लेकर आओ। यह है मेरा बेटा भैरव। दो साल पहले ये भी तुम लोग की तरह आम तोड़ने पेड़ पर चढ़ा था और पैर फिसलने के कारण ये पेड़ से गिर गया और जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद ये भैरव बिल्कुल अकेला पड़ गया, कभी किसी से बात नहीं करता, हमेशा चुपचाप रहता और कहीं खेलने भी नहीं जाता। धीरे धीरे इसके दोस्तों ने भी यहां आना बंद कर दिया, वो भी गलत नहीं है क्योंकि ये भैरव उनके साथ दौड़ नहीं पाता था ना, कदम से कदम मिलाकर उनकी तरह मस्ती नहीं कर पाता। इसलिए आज मेरे भैरव का कोई दोस्त नहीं है। मैं इसे जब भी देखता हूं तो ये सोचता हूं कि मैंने इसे पेड़ पर चढ़ने से रोका क्यों नहीं, या जब ये पेड़ पर चढ़ रहा था तो उस वक्त मैं पेड़ के नीचे क्यों नहीं खड़ा था इसे संभालने के लिए। मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है कि शायद शायद आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो। आप लोगों को लगता होगा कि ये तो पागल है। हाँ हाँ मैं पागल हूं क्योंकि मुझे हर बच्चे में अपना भैरव नजर आता है, हर बच्चे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मेरे भैरव की अगर यह गोगी भी पेड़ से गिर जाता और उसको भी लग जाता तो हाँ मैं यहां खटिया बिछाकर गोगी की निगरानी करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं यहां सिर्फ इसलिए बैठा हूं कि बाय चांस गोगी का पैर फिसल कर अगर वो नीचे गिरे तो मैं उसे संभाल लूं। संग्राम सिंह जी, निश्चित तौर पर गलती हमारी है, आपने तो हम सबकी आंखें खोल दी। हम आपको पत्थर दिल समझते थे लेकिन आपका दिल तो फूल जैसा निकला। आपने तो हमको रुला दिया। कितनी बड़ी बात कह दी आपने। हाँ हमारे लिए तो हमारे बच्चे ही सब कुछ है, अगर इनको कुछ हो जाता तो। सही बात है। बोली तुम्हें पता है हमारी जान तुम लोगों में है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता बेटा? बेटा कभी भी ऐसी शरारत मत करना जिससे तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को परेशानी हो। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, हम कभी ऐसी शरारत नहीं करेंगे। हाँ हाँ कभी नहीं करेंगे। सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी। हाँ सॉरी सॉरी। अंकल आपको परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, हमें तो बस केरी खाने का मन हुआ तो हम लोग यहाँ आ गए। बेटा तुमने आम तोड़े इस बात का मुझे कोई गम नहीं है,
मैं ये भी मानता हूँ कि बच्चे बचपने में बचपना नहीं करेंगे तो क्या बड़े होके करेंगे, लेकिन बचपने में कोई ऐसी गलती मत कर बैठो जिसका खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़े। बेटा एक बात का ध्यान रखो, अगर तुम लोगों को कुछ हो जाए तो सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हारे माँ बाप को होती है। माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं है बच्चों, दोस्त है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम सारे बच्चों की दोस्ती कमाल की है, सब एक दूसरे पर जान छिड़कते हो। अरे खड़े क्या हो, जाओ जाओ जाकर अपने जान को पेड़ से नीचे उतारो, जाओ वो देखो लटका हुआ है। बेटा है कहा? हाथ ही निकल गया और पूछ रह गई। ये पूछ भी निकल जाती अगर गोगी ने उसे पकड़ के खींचा नहीं होता। भाई गोगी ने सच बोल के खुद के ही नहीं अय्यर के पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है। अब संग्राम सिंह भरतनाट्यम करने वाले अय्यर से भांगड़ा करवाएगा। भाई जिंदगी में सच बोलना बड़ा आवश्यक होता है, बच्चों को सच बोलना भी चाहिए, लेकिन कई बार अगर आप सच बोलते हैं तो फंस जाते हैं। भाई यही तो जिंदगी है, सच बोलो तो फंसो, सच ना बोलो तो फंसो। लेकिन आप तो बस हंसो, हंसते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखो लटका हुआ है। माफी खाते हाँ धोखा किया है तुम लोगों ने मेरे साथ, धोखा। देखिए देखिए संग्राम भाई, वो क्या है कि गोगी के असली माँ बाप सच में अमृतसर में ही है। अभी आपने जीत पकड़ी की नहीं, आपको उसके माँ बाप से मिलना ही है, वो भी एक घंटे के अंदर। अभी एक घंटे के अंदर तो अमृतसर से आ नहीं सकते ना, इसलिए फिर ये हमारे पड़ोसी अय्यर भाई और बबीता जी, तो इनको हमने रिक्वेस्ट किया और फिर वो तैयार हो गए गोगी के लिए। बेचारा वो आखिर कब तक पेड़ की डाली पे बैठा रहेगा, इसलिए हमने ये सब गोगी के लिए किया। अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम पेड़ पर चढ़कर इस गोगी को नीचे उतारो। अरे आप फिर भूल रहे हैं, मेरा प्रॉब्लम बताए ना, वो मैं ऊपर ज्यादा देखते चक्कर आते हैं। वो गोगी अगर कुएं में अगर अटका होता ना तो मैं उसको बेशक बाहर निकल सकता था, ऊपर का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो चक्कर आते है ना, ऊपर से नीचे देख सकता हूँ मैं, जैसे ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम। लेकिन सीढ़ी के सहारे तो उतार सकते हो ना। जाओ जाकर सीढ़ी लेकर आओ, जाओ। अरे अरे वाह, थैंक यू भाई गुरु जी। आ जाओ बेटा, उधर बेटा, आराम से संभाल संभाल। संग्राम अंकल, अब मैं मस्ती नहीं करूंगा।
हाँ अंकल, अब हम लोग भी मस्ती नहीं करेंगे, सॉरी। संग्राम सिंह जी, आप भी अब माफ कर दीजिए बच्चों को, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। और थैंक यू वेरी मच माफ करने के लिए। अभी हम लोग चलते हैं। हाँ चलिए, चलो चलो चलो, चलो, चलो। अरे अरे भाई, मैं आप लोगों को ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। अरे भाई, तुम लोग संग्राम सिंह के बगीचे में आए हो, मेरे मेहमान हो, आम खाए बगैर कैसे जा सकते हो? पेड़ पे चढ़ के तो नहीं खाने ने? आम का इंतजाम कर। जी सर। पके हुए रसीले, ठीक है, चल जा। वाह वाह वाह, कैसे लगे? चलिए चलिए। और भाई मजा आ गया, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। क्या सुगंध है। ऐसी सुगंध अभी वो मार्केट से लेके आते हैं ना, वो कैरी में आती ही नहीं है। तो क्या पाउडर डाल के पकाते हैं ना सब? बबीता जी, कार्बाइड पाउडर है, कार्बाइड पाउडर, दैट्स अ केमिकल। क्या बोले? चलिए जी पकड़ भाई, बस अरे नहीं तो तूफान एक्सप्रेस में लिख दोगे आप। हाँ, क्या रसीले आम है, ऐसे आम तो मार्केट में मिलते ही नहीं है, ये शायद विदेश चले जाते होंगे। अरे शायद नहीं भाई, चले ही जाते हैं। सही बात है। अभी संग्राम भाई हर साल पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आम आपके पास से ही लेंगे, वो भी पैसा दे के, फ्री में नहीं है। जरूर जरूर, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, अगले साल पूरे गोकुलधाम में सबके घर पे एक एक पेटी आम संग्राम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको खिलाऊंगा एक एक मेरे हाथ। अरे पूरे गोकुलधाम की तरफ से। अरे वो देखो, इंसान तो इंसान, पोपट पेड़ पे बैठ के कैरी खा रहा है। भाई मैं आपके बगीचे के ऊपर फर्स्ट क्लास आर्टिकल लिखूंगा अपने तूफान एक्सप्रेस में। हंस, आम बहुत अच्छे हैं, बच्चों ने यहाँ आना जायज। सही बात है। टप्पू से ना दिख नहीं रही। देखो पेड़ पे होंगे कहीं पे। बच्चे अभी यहीं थे, कहाँ चले गए? टप्पू, ओ टप्पू। हाँ साहब, छोटे साहब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए सब बच्चे? कमान बोले, और कमान मेरे को कमान। अरे वाह वेरी गुड। कमान बोले, कमान, चल चल चल, कमान कमान। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड शॉट, गुड शॉट। वाह बेरू, वाह क्या शॉट मारा तूने, क्या बात है बेरू। बोली अब बेरू ऐसा शॉट मारेगा कि बॉल ही घूम जाएगा। बेरू बिंदा शॉट मार, मैं तेरा रनर हूँ, हम दोनों की जोड़ी सचिन और कामली का रिकॉर्ड तोड़ेगी। बेरू डोंट वरी, बिंदा शॉट मार, मैं तेरा रनर हूँ, डोंट वरी। Thank you.
टप्पू और टप्पू की पूरी सेना, मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं? उस हादसे के बाद आज पहली बार मैंने भैरव के चेहरे पर इतनी हंसी देखी है, इतना खुश है मेरा भैरव। तुम लोगों के लिए संग्राम सिंह के बगीचे का आम नहीं, पूरा बगीचा कुर्बान है। क्या बात है। जब मर्जी हो तुम लोग मेरे बगीचे में आ सकते हो और आम तोड़ सकते हो। थैंक यू अंकल। लेकिन जब मैं रहूं तब मेरी निगरानी में, ठीक है? और उछलना कूदना नहीं, लग जाएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अंकल, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। मैं, बाप रे, अभी ये क्या मांगेगा? तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? आपको मेरे साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा। वाह मारा टपुड़ा, वाह, तूने तो घड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया है। तारक, लीजिए चाय। अंजलि, कितनी बार का जब मैं लिख रहा हूँ तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे लिखने दो। तारक, मैं आपके लिए चाय लेके आई, इसमें डिस्टर्बेंस कैसा? तुम जिस तरह की चाय पिलाती हो ना, उससे मैं डिस्टर्ब ही होता हूँ। ये तुम्हारी ग्रीन टी, कभी नहीं तो करेले का जूस, लौकी का जूस नहीं पीनी भाई मुझे तुम्हारी चाय। मैंने मांगी तुमसे चाय, आई डोंट नीड टी। अच्छा ठीक है फिर, मैं तो अच्छी खासी मसाले वाली चाय और पकौड़े लेकर आई थी, कोई बात नहीं। अंजलि, अंजलि रुको रुको रुको, अंजलि अरे अंजलि, तुम तो मेरी प्रेरणा हो, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन हो मेरे लिए। तुम जब आती हो ना, जिस वक्त मैं लिख रहा हूँ तो और अच्छे ख्याल आने लगते हैं। मतलब अंजलि, अगर तुम न हो तो मेरा तो जीवन अधूरा है। अंजलि तुम, अरे मेरे लिए ये चाय और पकोड़ा, मतलब वाह अंजलि वाह, क्या पकोड़ा है। थैंक यू अंजलि, जब तुम इतना सब कुछ अच्छा बना सकती हो तो क्यों घास फूस खिलाती हो मुझे? आपकी अच्छी सेहत के लिए। तो भाई तो आज ये पकोड़े मुझे किस खुशी में, भाई मेरी लॉटरी कैसे लग गई? तारक, कल टप्पू ने जो संग्राम सिंह के बेटे के साथ दोस्ती करके इतना अच्छा काम किया ना, उसकी खुशी में मैं टप्पू सेना को पकौड़ा पार्टी देना चाहती हूँ। तो ट्राई कर रही थी, तो ये ट्रायल राउंड है आपके लिए, सोचा आप भी चख लीजिए। So sweet of you, अंजलि, थैंक यू गोगी। अरे इसमें गोगी को थैंक यू क्यों? अरे भाई गोगी को थैंक यू कहना पड़ेगा ना, ना तो बच्चे कैरी तोड़ने जाते, ना गोगी पेड़ पे चढ़ता, ना संग्राम सिंह बच्चों को देखता, ना गोगी को पकड़ता, और अगर गोगी को नहीं पकड़ता तो टप्पू सबको लेके वहाँ कैसे जाता, और नहीं जाता तो संग्राम सिंह हमें शिक्षा कैसे देता, भैरव सिंह से टप्पू की दोस्ती कैसे होती। यानी कुल मिला के काम कौन आया? गोगी। अगर संग्राम सिंह ने गोगी को नहीं छोड़ा होता तो क्या मेरे हाथ में पकड़ा होता? हाँ ये बात तो है। वैसे तारक, शुरुआत में तो बहुत टेंशन हो गई थी, अगर गोगी वापस आने से पहले रोशन भाभी और सोड़ी भाई आ जाते तो प्रॉब्लम हो जाती। हे भगवान, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। अरे अय्यर भाई, बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माता दा। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। क्या भाई, सुबह ही सुबह डॉक्टर आती है, अगर सब कुछ ठीक तो है? अय्यर के लिए दवाई लेने गई थी। क्यों? एक्चुअली पूरी रात अय्यर को संग्राम सिंह के सपने आते रहे, तो एक पल भी नहीं सोया। क्या है माता दा, आज के बाद मेरा सरदार का गेटअप कभी नहीं करेगा। बस संग्राम सिंह का कुलाड़ी देखा था आपने, कितना धार वाला था। अरे मेरे को टच हो जाता तो मैं तो दांत उनके जैसा छिल जाता। आप भी चलो, चार पकड़े हो जाए, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को अभी दवाई लेना है। अरे खाने के बाद दवाई ज्यादा असर करती है। अरे ये साहब, जरा अपने मोबाइल से फोटो तो लो। इनमें फोटो निकालने जैसा क्या है? बताता हूँ बताता हूँ। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। एक मिनट जनरल, स्माइल स्माइल स्माइल। अरे मैं तो हमारे फोटो क्यों खींच रहे? तुम्हारे चेहरे पे कुछ
दाग बाग है क्या? टप्पू फिर से तूने का मस्ती की? नहीं पापा। अरे नहीं नहीं जेठालाल भाई, तुम्हारे चेहरे पे कुछ नहीं लगा। अरे फोटो खींचने की तो विशेष बात है चाचा जी, आज के जमाने में पिता और पुत्र भी साथ नहीं चलते, और यहाँ तो तीन तीन पीढ़ियां एक साथ चल के आ रही है। ये हमारी संस्कृति और संस्कार की अनूठी मिसाल है। पापू जी, हाँ चाचा जी, कल जो टप्पू ने किया वो तो आप ही के संस्कार है। अरे मेरे नहीं, मेरे पिताजी के संस्कार है, जयंतीलाल खिमजी गढ़ा के। मैं जब भी टप्पू को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी का पुनर्जन्म है। पापा, इस हिसाब से तो मैं आपका दादाजी हुआ। सुनिए, मेरे लिए धोनी के साइन वाला बैट लेकर आना। चल चल अवे। दादाजी देखिए ना, पापा अपने दादाजी को चल चल अवे ऐसा कह रहे। पापा, इस हिसाब से तो मैं आपका दादाजी हुआ। सुनिए, मेरे लिए धोनी के साइन वाला बैट लेकर आना। चल चल अवे। दादाजी देखिए ना, पापा अपने दादाजी को चल चल अवे ऐसा कह रहे। बापूजी ये क्या कर दिया आपने? ये पहले ही मस्ती खोर, अभी आपने इसकी सरखामणी दादाजी के साथ की है तो अभी ये किसी की नहीं सुनेगा। नहीं, ये मस्ती कर रहा है क्या तू भी? लेकिन जेठिया तूने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, ये किसी की नहीं सुनता लेकिन अपने दिल की सुनता है, और जो अपने दिल की सुनता है वो कभी गलत काम नहीं करता। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। टप्पू, मैंने टप्पू सेना के लिए स्पेशली पकौड़ा पार्टी रखी है, तुम पूरी टप्पू सेना और भैरव सिंह को लेके घर पे आ जाना। चाचा जी आप भी आना। हाँ। अरे पार्टी होगी तब होगी अंजलि, अभी तो एक एक कप चाय पीजिए, आइए। क्या मेहता साहब, इतने गर्मी में चाय पिला रहे हैं आप। हाँ ये बात तो है जेठालाल, गर्मी में चाय तो नहीं पीनी चाहिए। तो एक काम करते, मैं तुम्हें शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम चिल्ड करेला का जूस पिलाता हूँ, आओ। तारक, शानदार एकदम चिल्ड करेले का जो सिर्फ आपके लिए है, मैं इन सबको तो स्पेशली शानदार चिल्ड मैंगो जूस पिलाऊंगी। अरे आए, क्या बात है। आइए जेठा भाई, चलिए बबीता जी, आइए आइए। मेहता साहब आते हैं मैंगो मिल्कशेक पी के, आप इधर ही है ना? हाँ, मिलते हैं फिर। बड़े बेआबरू होके खुद के घर से हम निकले। ओ बेआबरू, चलो अभी चलो। अरे इधर खड़े रह के करे, चलो। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, बच्चों ने शरारत तो की लेकिन उसमें से भी हमें सीखने को मिल गया। वैसे बच्चों ने ही कच्ची कैरी नहीं तोड़ी, आपने और हमने सबने अपने बचपन में कच्ची कैरी, जामुन, आमला, ये सब तोड़ने का लुत्फ उठाया। वैसे बच्चे तो कच्चे हीरे की तरह होते हैं, हमें जरूरत इन्हें तराशने की, इन्हें कीमती बनाने के लिए देने पड़ेंगे हमारे संस्कार, और यही संस्कार बच्चों को एक अच्छा मनुष्य बनाते हैं। वैसे संस्कार तो टप्पू में कमाल के हैं साहब, देखिए ना कितने बढ़िया संस्कार के पहाड़, जैसे संग्राम सिंह को भी हिला के रख दिया, गोगी भी छूट के घर आ गया, और एक तरह से गोकुलधाम सोसाइटी में फिर से खुशी का वातावरण छा गया, टेंशन दूर हो गया। लेकिन यहां आप जानते हैं टेंशन कभी भी ट्रैफिक लाइट की तरह आपके रास्ते में आ सकता है, यहां टेंशन भी आएगा, हंगामे भी होते रहेंगे और समझदारी की बातें भी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.